नमस्कार जी, मेरा नाम राजीव नेगी। अच्छा, ये आपको ये लुमथुप्पा पिलाते हैं आज ना? अच्छा, क्या नाम बताया इसका? लुमथुप्पा। लुमथुप्पा, थुप्पा बोलते हैं, लुमथुप्पा। अच्छा, तो अनाज से बनता है ना? अनाज से, गेहूँ का बनता है। अच्छा, इसको मतलब मेश करते हैं। हाँ, पका के मेश करते हैं। अच्छा, दो तीन दिन रखते हैं फर्मेंट होने के लिए ना। अच्छा, मेश करते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग काजू, बादाम, किशमिश, नेवजा, ड्राई फ्रूट जितने भी होते हैं ना, हाँ जी, उसको लगा के फिर थोड़ा गर्म करते उबालते हैं। अच्छा, उसका बनाते हैं। तो गाइस, फर्स्ट टाइम मैं ये टेस्ट करने वाली हूँ। आई डोंट नो कि इसका टेस्ट कैसा होगा। वैसे कैसा होता है टेस्ट? वैसा होता है, थोड़ा खट्टा मीठा जैसा होता है। अच्छा, गोली गो बोलो ना या आया मेले हो ना, गोली गो बोलो ना या आया मेले हो ना, गोली गो बोलो ना या आया मेले हो ना, गोली गो ने ने साबिली माँ याली तारे दे ना पालागे, गोले ने साबिली माँ यादा तो गाइज, अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ लोगों की मेहमान नवाजी बहुत खास होती है, तो आप लोगों ने देखा ही, सभी के घरों में जाते हैं हम और खाने पीने को भरपूर दिया जाता है। तो मेरा तो पेट फटने वाला है, लेकिन इस तरीके से गाते हुए मंदिर की तरफ जाना तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, क्या बताऊँ आप लोगों को। ये जो पैसों के माला दिए जा रहे हैं देवता जी को, ये इस गांव की जो बेटियां बाहर ब्याही हुई हैं उनके बच्चे खुशी से देवता जी को माला दे रहे हैं, और गांव के जो लोग हैं ये पैसों का माला देवता जी को देते हैं खुशी से। इस तरीके से ये अपनी खुशी जाहिर करते हैं और देवता जी के ऊपर विश्वास रखते हैं। ये सब तो हमारी आस्था है ही, और बस नए साल की शुरुआत इस तरीके से गाँव वाले करते हैं। Yeah.
लॉसर के ये 3 दिन किस तरीके से बीते मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला था, क्योंकि ये 3 दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे बीते हैं। और देखिए, सुबह से लेकर शाम तक हम नाचते गाते 3 दिन, मतलब आपको ऐसा लगेगा अगर आप ये त्यौहार अटेंड करने के लिए लिप्पा गाँव आते हैं लॉसर, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये 3 दिन कैसे चले गए। हम खा रहे हैं, नाच रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो मेनली ये है कि नया साल का जो शुरुआत है वो कुछ इस तरीके से है, तो आप सोचिए कि पूरा साल कितना खुशनुमा रहेगा। तो इस तरीके से लिप्पा गांव के लोग बहुत ही धूमधाम से ये त्यौहार मनाते हैं और अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप लोग न्यू ईयर किस तरीके से सेलिब्रेट किया मुझे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।